नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में रितु तोमर। न्यूज़ स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बात करेंगे उपचुनाव को लेकर। निर्वाचन आयोग की तरफ से हाल ही में यहां पर एक बदलाव किया गया है। दरअसल उपचुनाव होने थे कुछ राज्यों में और यहां बदलाव ये किया गया है कि 13 नवंबर की जगह 20 तारीख कर दी गई है चुनावों में फेरबदल करके। वो कौन कौन से राज्य है और किस वजह से ये फैसला लिया गया, इस बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। गौरव मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि सबसे पहले आपको ये जानकारी देंगे कौन से राज्य जहाँ बदलाव हुआ है और किस वजह से हुआ है। देखिए, जो उपचुनाव 3 राज्यों में होते, पंजाब में, केरल में और उत्तर प्रदेश में, इन तीनों जगह 13 तारीख को उपचुनाव होने थे। इन तीनों 14 सीटें थे। तीनों राज्यों में जो प्रमुख पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर बताया था कि त्योहारों का सीजन चल रहा है, इस वजह से चुनावी जो मतदान प्रतिशत उस पर असर पड़ेगा। इस वजह से चुनाव आयोग ने संज्ञान में लेते हुए तारीखों में बदलाव कर दिया है। उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग ने तारीखों के बदलने के पीछे तर्क दिया है कि कार्तिक पूर्णिमा का पर्व है और उस वक्त बड़े संख्या में जो श्रद्धालु होते हैं वो प्रयागराज गंगा स्नान को जाते हैं, बनारस जाते हैं, कुंदरकी के पास एक जगह है वहाँ जाते थे। इस वजह से जो श्रद्धालु हैं इनके जाने की वजह से चुनाव पे असर पड़ेगा। बात करें पंजाब में, तो पंजाब में उस वक्त ही महाप्रकाश पर्व पड़ रहा है 555वां, तो इस वजह से पंजाब में भी, और केरल में रथ उत्सव की वजह से चुनाव की तारीखों को टाला गया है। फिलहाल जिस प्रकार से चुनाव की तारीखों को टाला गया है, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बात करें तो हो सकता है कि अयोध्या की जो मिल्कीपुर सीट है उस पर भी कुछ अपडेट आ सके, क्योंकि जो पिटीशन पड़ा था उसको खारिज करने के लिए जो गोरखनाथ पासवान हैं, उनके वकील की तरफ से पिटीशन वापस ले लिया गया है। तो मे बी अगर कुछ प्रोसेस आगे बढ़ेगा तो मे बी हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की जो 10 विधानसभा सीटें हैं वहाँ पे चुनाव हो। हालांकि लेकिन इस बात अभी ये मुश्किल लग रहा है गौरव, क्योंकि नामांकन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है कि शायद सीट जो चुनाव है वो आगे बढ़ेगा। तो मिल्कीपुर जो सीट है, जिसको लेकर ये पूरा तामझाम चल रहा था कि शायद हो सकता है इस पर चुनाव हो जाए, लेकिन अब तारीखों में बदलाव ये किया गया क्योंकि विधानसभा चुनाव 2 चरणों में हो रहे हैं कुछ राज्यों में। जैसे झारखंड की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, 13 और 20 तारीख, तो उपचुनाव की जो तारीख है 13 की जगह 20 कर दी गई है। उपचुनाव आयोग की तैयारियां लगातार चलती रहती हैं, लेकिन इसका सीधा असर पड़ता वोटर्स पर कि जो वोट प्रतिशत है वो कम हो जाता, लोग त्योहारों में बिजी होते, और इसी वजह से यूपी सरकार की तरफ से भी चिट्ठी लिखकर ये मांग की गई थी। और सबसे बड़ी बात है कि डाइसी लग रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है 13 तारीख को आने में। अचानक से निर्वाचन आयोग की तरफ से ये जब बात सामने आई कि यहाँ पर उपचुनाव की तारीख में बदलाव किया गया है, तो ये कहीं ना कहीं वाली बात हो गई कि चलो ठीक है, त्यौहार आ रहे हैं, वोटर्स को प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर मैं विपक्ष की बात करूँ, क्योंकि एसपी की तरफ से कोई मांग नहीं की गई थी, एसपी के जो ज्यादातर प्रत्याशी हैं वो जिस कोटे से आ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं फायदा होता, लेकिन अब एसपी यहाँ पर कहीं ना कहीं घेर सकते हैं बीजेपी को। देखिए, लगातार बयानों का दौर चालू हो गया। अभी उत्तर प्रदेश में संजय सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग योगी और मोदी के हिसाब से चुनाव के तारीखों का ऐलान करते। तो एक तरीके से देखें तो विपक्ष पूरी तरीके से चुनाव आयोग के इस फैसले पे सवाल उठाता नजर आ रहा है। फिर अखिलेश यादव की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं, लेकिन डिम्पल यादव ने इस पर पूरा प्रतिक्रिया दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से चुनाव सारे जो भी विपक्ष के नेता हैं वो उनके बयान में कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ही सवालों के कटघरे में खड़ा नजर आ रहा है। बिल्कुल, वो पहले भी कहते रहे कि कहीं ना कहीं सभी की मिली भगत होती है, बीजेपी की सपोर्ट में चुनाव आयोग रहता है या फिर वो मशीन को लेकर तो कई बार सवाल उठा चुके हैं। लेकिन ये जो बात है ये बिल्कुल ठीक भी है कि अक्सर ये देखा जाता है, खासकर अगर यहाँ पे मैं कार्तिक स्नान की बात करूँ, तो जो तमाम सनातनी होते हैं, हिंदू धर्म के लोग होते हैं, वो उस टाइम स्नान में बिजी रहते हैं। और इसी वजह से ये मांग की गई थी बीजेपी सरकार की तरफ से कि आप जो चुनाव की तारीखें हैं उनमें बदलाव कर दीजिए, क्योंकि उस वक्त जो लोग हैं वो इधर उधर बिजी होंगे और ऐसे में वो वोट डालने के लिए नहीं जा पाएंगे, जिसका असर जो है सीधा वो पड़ेगा वोट प्रतिशत पर, जो कि ठीक नहीं है। क्योंकि यहाँ पर लोगों का जो अधिकार है वो यही है कि वो अपना मत डालें, और ऐसे में अगर उस पर असर पड़ेगा तो आप इसमें बदलाव कर दीजिए। थोड़ी सी देरी हुई, लेकिन ना कहीं बड़ी राहत है बीजेपी के लिए। अब हमारे साथ में पंकज जी इस मामले पर थोड़ा और प्रकाश डालेंगे। मैं उनसे जानना चाहूंगी कि चुनाव आयोग की अगर तैयारियों की मैं बात करूँ, जाहिर है पहले से पूरी रहती है, लेकिन कोई खास असर पड़ेगा चुनाव की तारीखों में बदलाव होने के बाद? नहीं, देखिए, सबसे ये जो अभी हो रहा था, अभी आपको 2 राज्य के विधानसभा के साथ, आपको जिसमें विधानसभा चुनाव आपको झारखंड में, और झारखंड में 2 चरणों में 13 और 20 को हो रहा है, जिसमें कि कोई परिवर्तन नहीं है। 13 और 20 को झारखंड में विधानसभा चुनाव होंगे और महाराष्ट्र में तो 20 को था। उसके बाद से आपको 48 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं। 48 में से आपको 42 जो सीट ऐसी सीट है जहाँ पे लोग सांसद बने हैं। अब बात करते हैं जो ये जो तारीखों में जो बदलाव हुआ है वो आपको 3 राज्यों के लिए हुआ है। 3 राज्यों के 14 सीट में हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश का है 9 सीट जो जिसपे हो रहा है, और उसके बाद से पंजाब का 4 और केरल का 1। तो पंजाब, केरल और उत्तर प्रदेश ये तीनों राज्यों से इसमें तारीख में परिवर्तन की मांग चुनाव आयोग से की गई थी। जो आपको यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश में कार्तिक पूर्णिमा का हवाला दिया गया था और पंजाब में गुरु नानक देव जयंती जो आपको 15 नवंबर को है। उसके बाद से 13 से 15 नवंबर के बीच में केरल में जो है कलीपाथी नाम का त्योहार है, वो है जो 2-3 दिनों का त्योहार होता है, उस वजह से वहाँ ये किया गया है। तो इन लोगों का डिमांड था और उस डिमांड के बाद चुनाव आयोग ने ये क्या, हाँ ये चुनाव आयोग का फैसला ये पहले भी हो सकता है क्योंकि ये डिमांड जिस समय तारीख का ऐलान हुआ था, तारीख के ऐलान के जस्ट बाद ही मुझे लगता है 1 से 2 दिन या फिर उसी दिन इसका मांग की गई थी जो भाई है। और वोटिंग परसेंटेज में ये क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो कार्तिक पूर्णिमा बहुत मायने रखता है। गंगा स्नान के लिए हिंदू सनातन धर्म में कार्तिक स्नान का काफ़ी ये महत्व है। उसी तरह से आप अगर पंजाब का देखें तो पंजाब में गुरु नानक वो तो प्रकाश पर्व है, तो उसके बहुत पहले से उसकी तैयारी शुरू हो जाती है सबको। तो एक तरह से जो चुनाव आयोग का जो फैसला है, ये चुनाव आयोग फैसला का हमें स्वीकार करना चाहिए। हाँ, सियासतदानों का काम है सियासत करना, तो देखिए समाजवादी पार्टी के तरफ से, लेकिन एक बड़ा फायदा समाजवादी पार्टी को जरूर होता अगर तारीख वही रहती यूपी में, अगर हम देखें तो। हाँ, लेकिन ये आप एकदम सही कर रही हैं, लेकिन इसमें भी जो सीएम योगी और बीजेपी का जो इस बार का जो प्लानिंग है उसमें है, जो लोकसभा चुनाव में जिस तरह से वो वोटरों को घर से नहीं निकाल पाए थे, तो इस बार उनका पूरा प्लान है जो वोटर को कैसे घर से निकाला जाए और उसके लिए क्या किया जाए, तो एरी चोटी वो लोग लगाए हुए हैं। हाँ, ये तय है जो लोग गंगा स्नान पे जाते तो वो वोट नहीं करते, तो इसका हो सकता है जो। अच्छा, ये सियासत का मुद्दा ठीक है। देखिए, इनको जिनको जिस तरह से अपना फिट बैठता है, जिनका समीकरण फिट बैठता है, उस मुद्दे पे सियासत होने लगता है। अपनी सियासी रोटियां ये लोग कभी नहीं चूकते हैं जो अपनी रोटी सेकने में, तो बस उसी का है। अब इन सब मुद्दों पे, अब उपचुनाव वाले मुद्दों पे, तो उपचुनाव का ये देखिए, उपचुनाव तो पहले उपचुनाव की इतनी चर्चाएं भी नहीं होती थी। ये उत्तर प्रदेश का उपचुनाव है जो कि हम लोग अगर इसको देखें जो 2000 9 सीटों पर है, और वो भी 2027 का सेमीफाइनल इसको कहा जा रहा है। उसके बाद से आप ये देखिए, तो अगर आप इसको थोड़ा सा एक बड़े कैनवस पे देखिएगा तो मुझे तो ये लगता है जो लोकसभा चुनाव जो 2024 का था उसी का एक एक्सटेंशन ये पार्ट है, क्योंकि उसी तरह से साम दाम दंड भेद जो है सो दोनों मतलब गठबंधन के गुट, एक तरफ से आप इंडिया गठबंधन को समाजवादी पार्टी रिप्रेजेंट कर रही है और इसको इंडिया गठबंधन को बीजेपी रिप्रेजेंट कर रही है, और ये उसी तरह से चुनाव लड़ा जा रहा है। तो ये जो इनका एक लिटमस टेस्ट सीएम योगी के लिए भी है। अगर सीएम योगी इस चुनाव में कैसा, लेकिन थोड़ा वक्त और मिल गया तैयारियों के लिए। हाँ, निश्चित रूप हाँ। तो ये तो दोनों के लिए है। हाँ। और सीएम योगी के लिए चुनाव काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखिए सीएम योगी अगर इस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं लोकसभा चुनाव के तरह ही, अगर इस बार उपचुनाव के भी परिणाम होते हैं तो आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बिल्कुल मन मुताबिक बीजेपी के परिणाम नहीं आता है, तो यहाँ पर विपक्ष के हाथ में एक और मुद्दा मिल जाएगा कि एक तो आपने अपनी तरफ से चुनाव की तारीखों में बदलाव भी करवाया, फिर भी आप अपनी तरफ से सीएम योगी के विरोधी गुट नहीं कर पाए। सीएम योगी के विरोधी गुट को भी एक बड़ा हथियार मिल जाएगा, और इसका असर सीधा यही होगा कि विपक्ष की तरफ से भी उनको टारगेट किया जाएगा कि आपने एक तो चुनाव की तारीखों में बदलाव करवाया, आपने चुनाव की तारीखों को आगे, उसके बावजूद भी आपकी परफॉर्मेंस वो नहीं रही जो आप चाहते थे, तो कहीं ना कहीं जो पीडीए के फॉर्मूले को लेकर लगातार यहाँ पर बात कही जा रही है वो भारी पड़ता हुआ दिखाई देगा। हालांकि फिलहाल तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही जो हरियाणा में एक स्टेटमेंट अपना दिया था, बटोगे तो कटोगे, उसके बाद यहाँ पर एक पोस्टर वॉर जारी हो गया है जिसके तहत ये पूरी कोशिश की जा रही है कि पीढ़ी को निशाना बनाया जा सके कि आपको बटना नहीं है जातियों में, और यहाँ ये जो त्योहार है वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली उस चीज से संबंध भी रखते हैं। निश्चित रूप से देखिए, ये जो त्योहारों का है तो एक जो आप एक जो हिंदुत्व वाला जो कंसोलिडेशन का अगर इसकी बात करें, बीजेपी की बात करें, तो उस कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रही है। उसके बाद बीजेपी का टारगेट इसके हिंदुत्व के साथ साथ पीडीए पे जो जिस फॉर्मूले का दम्भ ये भर रहे हैं, अखिलेश यादव भर रहे हैं, उस पर भी आप देखिए जिस तरह से टिकट का बंटवारा बीजेपी की तरफ से भी हुआ है, तो एकदम ये देख के हुआ है जब समाजवादी पार्टी ने टिकट कर दिया, समाजवादी पार्टी के टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद फिर बीजेपी ने मंथन किया, कई दौर का मंथन हुआ, उसके बाद से मतलब जाति समीकरण और जितने भी समीकरण उस समीकरण के हिसाब से, इसलिए आप देखिए जो चुनाव का नामांकन से एक दिन, नामांकन के आखिरी दिन से एक दिन पहले इनका बीजेपी की तरफ से टिकट जारी होता है, जबकि समाजवादी पार्टी से 10 से 15 दिन तक पहले हो चुका था। तो इस तरह से करके एकदम आखिरी मौके पे बीजेपी ने अपना वो टिकट उम्मीदवारों का लिस्ट जारी किया, तो वो एक पीडीएपी की जो रणनीति थी उसको में सेंध लगाने की वो उसमें अभी तक तो बीजेपी कारगर दिख रही है। तो आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और फॉलो भी कीजिएगा। धन्यवाद।